हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। पूर्व मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और राकापा प्रमुख शरद पवार का ट्विटर विवाद नागपुर में पुलिस थाना तक पहुंच गया है। राकापा उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जरीपटका पुलिस थाना पहुंचकर फडणवीस के खिलाफ राज्य में अशांति और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तब से शरद पवार का नाम कभी दाऊद इब्राहिम से जोड़कर तो कभी सांप्रदायिकता आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने और नई पीढ़ी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि मुंबई में बम ब्लास्ट के बाद वहां से आतंकवादियों का सफाया करने का श्रेय पवार को जाता है। कार्यकर्ताओं ने फडणवीस के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भीम ठाकरे, राकेश श्रीवास, शांताराम सोनबसरे, अक्षय ठाकुर, प्रमोद सालवे, नंदकिशोर माटे सहित अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का IIM इमारत के लोकार्पण के लिए ऑरेंज सिटी में आना तय माना जा रहा है, लेकिन अब तक शासकीय स्तर पर दौरे से संबंधित शेड्यूल नहीं आया है। राजशिष्टाचार विभाग भी राष्ट्रपति दौरे की प्रतीक्षा कर रहा है। भले ही जिला प्रशासन को दौरे की जानकारी है, लेकिन अधिकृत रूप से दौरे का शेड्यूल नहीं आया है। इस वजह से तैयारियों ने भी जोर नहीं पकड़ा है। इस संबंध में अधिकारी भी कोई जानकारी देने में कतरा रहे हैं, लेकिन अब आगमन में कम समय रह जाने से प्रशासन का टेंशन बढ़ गया है। अधिकारियों का कहना है कि तैयारियों में समय लगता है। राष्ट्रपति के काफिले का मार्ग सहित अन्य तैयारियों के लिए करीब सप्ताह भर का समय चाहिए। उम्मीद है कि इस संबंध में आज सोमवार को अधिकृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। वैसे भी जिलाधिकारी ने पहले ही अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दे रखे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन सहित पुलिस विभाग तैयार है। एक बार फाइनल शेड्यूल आ जाए तो तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले प्रशासन को मॉक ड्रिल का आयोजन करना होगा। वही सड़कों की दुरुस्ती सहित अतिक्रमण हटाने का कार्य अभी भी बाकी है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने न केवल भारतीय संविधान की रचना की, बल्कि भविष्य में आने वाली समस्याओं की ओर भी संकेत करते हुए उनका समाधान भी सुझाया। ज्ञान के अथाह सागर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सर्वकालिक मार्गदर्शक है। जिस समय समस्याओं से घिर जाने के बाद आप थम जाते हैं, क्या करना है यह आपको पता नहीं होता, उस समय बाबा साहब के विचार मार्गदर्शक बन जाते हैं। यह विचार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की पुस्तक आम्बेडकर ऑन पॉपुलेशन पॉलिसी कंटेम्परेरी रिलेवेंस के विमोचन समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए व्यक्त किए। यह समारोह नागपुर में वसंतराव देशपांडे हॉल में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुंबई से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोरात ने की। मुख्य अतिथि राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे। अमेरिका के इंडियाना विद्यापीठ के प्रोफेसर डॉक्टर केविन डी ब्राउन, अनुसूचित जाति आयोग के समन्वयक के राजू व तमिलनाडु के विधायक सिलिवम उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर एक राजनीतिक व्यक्ति अभ्यास करते हुए कुछ लिखेगा, इस संबंध में शंका जताई जाती है, लेकिन डॉक्टर नितिन राउत ने इतनी व्यस्तता के बावजूद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों की विरासत को हमारे सन्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, यह अत्यंत सराहनीय है। जरीपटका क्षेत्र के सब्जी बाजार चौक में सिंधी युवा संगठन की पहल से बेजुबान पक्षियों के लिए मिट्टी के जलपात्रों का भव्य निशुल्क वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। संगठन के अध्यक्ष अशोक आहूजा ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से बेजुबान पक्षियों के लिए मिट्टी के जलपात्रों का निशुल्क वितरण का उपक्रम संस्था की ओर से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कलगीधर सत्संग मंडल के एडवोकेट माधवदास ममतानी, राधाकृष्ण मंदिर के संत दामोदर दास, जरीपटका पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक गोरख कुंभार, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य, मनपा के स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, नागविदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष सुरेश जग्यासी, मंगलवारी जोन की पूर्व अध्यक्ष प्रमिला मथरानी, भारतीय सिंधू सभा के अध्यक्ष घनश्याम दास कुकरेजा, जरीपटका दुकानदार संघ के अध्यक्ष ठाकुर जेठवानी, सिंधु युवा फोर्स के अध्यक्ष गुड्डू केवल रामानी, विश्व सिंधी सेवा के मनोहरलाल आहूजा, ट्रैफिक विभाग के देशपांडे, डॉक्टर गुरमुख ममतानी, अखिल भारतीय सिंधी समाज के गोवर्धन कोडवानी उपस्थित थे। मान्यवरों की उपस्थिति में श्री झूलेलाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जलपात्र वितरण कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों ने बेजुबान पक्षियों के लिए अपने अपने घरों में जलपात्र रखने का संकल्प लिया।
यह एक भ्रांति है कि बड़े कारपोरेटर घरानों के लगभग 3000 बड़े ब्रांड विशेष रूप से FMCG क्षेत्र उपभोक्ता वस्तुओं और सौंदर्य प्रसाधन आदि क्षेत्रों में देश के लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वास्तव में देश के हर हिस्से में फैले 30,000 से अधिक छोटे और मध्यम लेकिन क्षेत्रीय स्तर के ब्रांड भारत के लोगों की मांग को पूरा कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के रिसर्च विंग कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 3000 कॉर्पोरेट ब्रांड भारत की लगभग 20% आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं, जबकि देश के विभिन्न राज्यों में 30,000 से अधिक छोटे और मध्यम ब्रांड देश के बाकी 80% लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जिनमें छोटे और स्थानीय निर्माताओं और उत्पादकों द्वारा निर्मित उत्पादों का समावेश है। कैट के अध्यक्ष भरतिया और महामंत्री खंडेलवाल ने कहा कि व्यापक मीडिया और बाहरी प्रचार और मशहूर हस्तियों द्वारा ब्रांड एंडोर्समेंट के कारण उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों का रुझान कॉर्पोरेट ब्रांड पर रहता है, जबकि छोटे एवं स्थानीय निर्माताओं के ब्रांड व्यापारियों के अपने ग्राहकों से सीधे संपर्क के जरिए बेचे जाते हैं। धार्मिक सामाजिक शैक्षणिक एवं मानव सेवा के लिए सदा समर्पित सर्व मानव सेवा संघ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा तरुड़ी में महावीर जन्म कल्याणक उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मुख्य रूप से संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष कोटेचा, वाठोड़ा पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशालता खापरे, जैन समाज के गणमान्य सदस्य संजय बेलसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर रेखा बेलसरे परिवार की ओर से 200 लीटर शरबत का वितरण किया गया। कोटेचा ने अपने वक्तव्य में कहा, अगर भगवान महावीर के सिद्धांत जियो और जीने दो एवं अहिंसा परमो धर्म पर अगर सारी दुनिया चले तो सारा संसार सुखमय हो सकता है। भगवान के इन सिद्धांतों पर चलकर हम अपने जीवन को मंगलमय और सुखमय बना सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में वीना डुमड़े, जयश्री बोकड़े, अंकिता मोहाड़ीकर, अंकिता बेलसरे, ज्ञानेश्वरी डुमड़े, ऋषिकेश काले, अक्षय बेलसरे, अमित मरगड़े, पारस पगाड़े, मुकेश जैन, मनोज उदापुरकर, दिनेश बनकर, रविंद्र तायडे, जगदीश दमानी, प्रमोद मांडवगड़े, ओम प्रकाश भेंडारकर, दीपक पाटिल, नितिन बंड, सोनू गोस्वामी, कांचन सातफले, संजय राउत, प्रशांत बोरकर, संजय सिंह ने प्रयास किया। आज के चुनौतीपूर्ण समय में जब कई MSME इकाई कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इन तमाम कंपनियों के प्रशासन को अपने वित्तीय और वैधानिक दायित्वों को निभाने में कठिनाई हो रही है, लेकिन वे NCLT के दायरे में न आने की वजह से OTS स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि यह स्कीम केवल कॉर्पोरेट इकाइयों के लिए बनाई गई है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ अधिनियम या OTS योजना के साथ आना चाहिए, जो महाराष्ट्र के तनावग्रस्त गैर कॉर्पोरेट MSME इकाइयों को रियायत देने के साथ अपने बकाया का निपटान करने और नए सिरे से बिजनेस शुरू करने में मदद मिल सके। यह मांग कोसिया विदर्भ के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के साथ एक बैठक में चर्चा करते हुए रखी। कोसिया विदर्भ के अध्यक्ष CA जुल्फेश शाह ने इस समस्या के संबंध में मंत्री देसाई को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें आगे मांग की गई, कैप्टिव उपयोग के लिए सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल महाराष्ट्र बिजली उत्पादन की भारी कमी का सामना कर रहा है और उद्योगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जो उत्पादन क्षमता को बाधित करता है। इस दिशा में भी राज्य सरकार को काम करना चाहिए। भारत की अग्रणी फर्नीचर कंपनी रॉयलॉक ने नागपुर में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। रॉयलॉक अपनी रेंज के साथ सोफा, रिक्लाइनर, डाइनिंग, एक्सक्लूसिव गद्दे, बेड, कुशन, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर की एक पूरी श्रृंखला के साथ भारतीय बाजार में एक प्रमुख फर्नीचर रिटेल ब्रांड है। नागपुर में पहला स्टोर खोलने के अवसर पर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह स्टोर बहुत बड़ा है और यह सभी प्रकार के आयातित फर्नीचर प्रदान करता है, जो शैली और आराम का एक आदर्श मिश्रण है। उनके पास लिविंग, डाइनिंग, बेड, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर में बहुत बड़ा संग्रह है। उन्होंने यह भी कहा कि स्टोर की सुंदरता के साथ यहाँ आपको दुनिया भर से इतने बड़े संग्रह के साथ सबसे किफायती दाम में प्रोडक्ट्स मिलती है। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए रॉयलॉक के अध्यक्ष विजय सुब्रमण्यम ने कहा, हमें अपने प्रमुख ब्रांड स्टोर रॉयलॉक का अनावरण करने पर गर्व है। इसका लक्ष्य हमारे ब्रांड में विश्वास रखने वालों को उत्पादों का अनुभव देना और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के फर्नीचर और घरेलू सामान का अनुभव कराना है। हम निकट भविष्य में ऐसे और भी स्टोर खोलने की योजना बना रहे हैं। OBC समुदाय का संवैधानिक अधिकार उन्हें दिया ही जाना चाहिए, इस आशय के विचार MPCC अध्यक्ष नाना पटोले ने व्यक्त किए।
वे कामठी तालुका के गादा गांव में आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जिला सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर भाषण दे रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े ने की। पटोले ने आगे कहा कि मैं इस कार्यक्रम में ओबीसी आंदोलन के एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। प्रदेश अध्यक्ष या अन्य संवैधानिक पदों पर कार्यरत नेता ओबीसी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ओबीसी समुदाय को अब निजीकरण का विरोध करने की जरूरत है। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि आरक्षण का नियम निजी उद्यमों पर लागू नहीं होता है। हम ओबीसी समुदाय के लिए शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक आरक्षण चाहते हैं। इसे पाने के लिए ओबीसी समुदाय के लोगों को डॉक्टर बबनराव तायवाड़े के नेतृत्व में एकजुट होने और अपने संघर्ष को तेज करने की जरूरत है। राज्य के ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा, मैं शुरू से ही ओबीसी आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। ओबीसी समुदाय को केवल उन लोगों का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए जो उनके हितों के लिए काम करते हैं। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,069 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 4,67,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 4,800 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 16,11,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। हाल ही में नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी और चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड कमेटी की राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। नगर विकास विभाग ने बजट सत्र में लिए गए निर्णय को 8 प्रतिबद्ध वार्षिक किराए के प्रावधान को स्थगित करने और समीक्षा करने और नए सिरे से किराया तय करने के लिए समिति गठित करने के निर्णय को प्रभावी करने के लिए 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई थी। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कैबिनेट के चेयरमैन डॉक्टर दीपेन अग्रवाल ने कहा कि मनपा आयुक्त ने खंड दर खंड सबमिशन के प्रस्ताव को धैर्य पूर्वक सुना और सुझावों के ज्ञापन की सराहना करते हुए कहा कि ये तमाम सुझाव पट्टे पर संपत्तियों से संबंधित मुद्दों को हल करने में मददगार साबित होंगे। आयुक्त लाइसेंस प्राप्त संपत्ति के लिए प्रस्तुतियां स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि वे समीक्षाधीन अधिसूचना में शामिल नहीं थे। आयुक्त ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में लाइसेंस से प्राप्त संपत्ति और पट्टे पर दी गई संपत्ति के व्यवहार और अंतर के बारे में प्रशासन के विचारों को कैबिनेट प्रतिनिधि मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया। बजरिया युवा मित्र मंडल की ओर से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बजरिया स्थित तुलसी समाज रामायण मंदिर में महिला मंडल द्वारा सुंदर कांड पाठ एवं बजरिया युवा मंडल के संयोजक आशीष दीक्षित द्वारा तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मंडल के पदाधिकारीगण, महिला सदस्य एवं परिसर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हाल ही में श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति शांतिनगर कॉलोनी की ओर से भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम हनुमान जी की तस्वीर पर पूजा अर्चना एवं महाआरती की गई। इसके पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे, समाज सेवक बिज्जू पांडे, महेश श्रीवास, ज्ञानेश्वर ठाकरे, कुंदा हरडे, दिलीप इंगोले आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनमोल व्यास, योगेश पुरोहित, संजय भक्तानी, नितेश परिहार, जय अतकरे, ऋषि तिवारी, संस्कार वर्मा, रजत रॉय, जतिन ठवकर, सागर वर्मा, हर्ष वर्मा, सुजीत झा, शुभम धोड़के, अग्रवाल, रघुनंदन शेंडे, सनी मेहर, किशन अतकर, दुर्गेश शाहू, अंकित पांडे, वीरेंद्र पुरोहित, मानवेंद्र केवलिया, अरुण झा, नेहा पुरोहित, कोमल पुरोहित, खुशबू व्यास एवं अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन कार्यक्रम के संयोजक अनमोल राजू व्यास द्वारा किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में म्यूजिक टाइम ऑर्केस्ट्रा की ओर से मधुर बुद्ध भीम गीतों का कार्यक्रम शिल्पकार जगाचा प्रस्तुत किया गया। इस संगीत कार्यक्रम में गायकों ने भगवान बुद्ध और राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर रचे गए गीतों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़, उपायुक्त प्रादेशिक समाज कल्याण विभाग डॉक्टर अनिल आर गजबिये, पूर्व सहायक आयुक्त पशु संवर्धन विभाग वैजयंती मांडवधरे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानकापुर पुलिस स्टेशन श्रीकांत भोज ने पुलिस अधिकारी व अन्य मान्यवरों के हाथों तथागत भगवान बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। संगीत क्षेत्र में कार्य करने वाले विविध मान्यवर जैसे डॉक्टर अनिल खोबरागड़े, संजय जीवने, मोरेश्वर निस्ताने, केशव गजबिये उर्फ कीर्तिनंद, अमोल कदम, विकास बोरकर, केशव खोबरागड़े,
नागेश वाहुरवार, स्वस्तिका ठाकुर का संयोजक एवं मिलन ग्रुप की ओर से सत्कार किया गया। कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जीवन आश्रय सेवा संस्थान को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध पार्श्व गायक डॉक्टर अनिल खोबरागड़े, गोल्डी हुमने, वीरेंद्र बोर्डे, बिंदु ढोके, सानिका बोभाटे, राजू व्यास, मनीष राय ने हिस्सा लिया। श्री राधा कृष्ण मंदिर वर्धमान नगर में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। मैनेजिंग ट्रस्टी श्री पवन कुमार पोद्दार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मंदिर परिसर को भगवा तोरण से सजाया गया। सुबह श्री हनुमान जी का दुग्धाभिषेक राजेंद्र पोद्दार द्वारा किया गया। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, तत्पश्चात आरती हुई। हनुमान चालीसा पाठ में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने उपस्थित रहकर पुण्य लाभ किया। हनुमान जन्मोत्सव की व्यवस्था को भव्य रूप देने हेतु मधुसूदन सारडा, मुरारीलाल अग्रवाल, सुधीर केडिया, मुकेश खंडेलवाल, गिरिराज बियानी, रामू अग्रवाल, शिव गुप्ता, गोविंद बाहेती, हरीश राठी, विष्णु अग्रवाल, शांतिलाल सूचक, पुनीत जोशी, आनंद पुरोहित, नारायण सारडा, उमेश माहेश्वरी, पवन अग्रवाल, शिव भगवान लाहोटी, पवन झाम, पुरुषोत्तम टावरी, सज्जन केडिया, संजय केडिया, ओम प्रकाश मालपानी, महेंद्र कटारिया, ऋषि कुमार खुंगर, रेखा जोशी, किरण पोद्दार, सुनीता अग्रवाल, डॉली पोपली, संतोष पुनियानी, मोनू अग्रवाल, उमा केसान, सुधा काकानी, उषा सरडा, रोशनी जुनेजा, वर्षा शर्मा, संध्या खेतान, संध्या जवेरी, राजश्री पुरोहित ने प्रयास किया। रमजान शरीफ का मुबारक महीना शुरू है। इस मुबारक महीने में टीपू सुल्तान चौक नूरी महबूबिया मस्जिद के पास रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इस इफ्तार पार्टी में शेख रियाज अब्दुल खालिद, अब्दुल साजिद, अब्दुल बासित, राजा भाई, अशफाक भाई, नब्बू भाई, धर्म ठाकुर, राजा भाई, गोलू भाई, अब्दुल हफीज, असलम भाई, छोटू भाई, बबलू भाई आदि ने सहयोग किया। गुलमोहर प्लाजा गोरेवाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। भागवताचार्य पंडित त्रिलोकीनाथ पांडे ने पहले दिन अपनी अमृतमय वाणी में कहा कि धुंधकारी का भाई गोकर्ण, जो सत्व गुणों से परिपूर्ण था, उसने धुंधकारी के प्रेत को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराकर मोक्ष की प्राप्ति कराई। कथा का समय रोजाना दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इस अवसर पर नंदलाल मिश्रा, बिपिन बिहारी मिश्रा, विजय तिवारी, राम विवेक मिश्रा, कमलेंद्र तिवारी, महेंद्र पांडे, सतीश मिश्रा, राजेश मिश्रा, सुनील पांडे, शंकर मिश्रा, योगेश त्रिपाठी, राजेश द्विवेदी, कमलेश, विकास तिवारी, पंडित हरीश शर्मा, शैलेंद्र तिवारी, सुनील महाराज, अमित तिवारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जैन समाज नागपुर द्वारा आयोजित समग्र जैन समाज की अग्रणी युवक संस्था महावीर यूथ क्लब परिवार नागपुर के संयोजन में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में सकल जैन समाज की जनगणना का सर्वेक्षण उपक्रम चलाया गया। नागपुर शहर में अनेक स्थानों पर भगवान महावीर जन्म कल्याणक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महावीर यूथ क्लब परिवार द्वारा सकल जैन जनगणना शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सैतवाल संगठन मंडल महावीर नगर में शिविर का उद्घाटन किया गया। वर्धमान नगर जैन समाज में सकल जैन जनगणना की भावना की गई। उसके पश्चात कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह, श्वेतांबर जैन समाज पश्चिम नागपुर, कांग्रेस नगर, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मीनगर, सदर जैन मंदिर में सकल जैन जनगणना व सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। नागपुर के जैन समाज में पहली बार होने वाली इस अनोखी जनगणना को लेकर सभी लोग हर्षित है। पूर्व सांसद अजय संचेती, निखिल कुसुमगर, अतुल कोटेचा, प्रफुल्ल खिपसरा, सोहम झामड़, सचिन कोठारी, दीपक पनवेलकर, अनिल कुमार जैन, प्रकाश मारवड़कर, श्रीकांत वैखंडे, दिलीप गांधी, महेंद्र कटारिया, मगन दोषी, दिलीप राखे ने विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। इस जनगणना में 400 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। शिविर से पहले कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में महावीर यूथ क्लब परिवार के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर ने जैन समाज की जनगणना सर्वेक्षण से समाज को होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आज एक दिन के छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। तोगड़िया वहां संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके पश्चात वे वैवाहिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रांत अध्यक्ष राजू चरणागर के मुताबिक छिंदवाड़ा पहुंचने के पश्चात वे किशोर मिगलानी एवं नीतू मालवीय के निवास स्थान जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके पश्चात ग्राम पंचायत चन्हिया पांजरा में संगठन मंत्री गौरी शंकर के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके पश्चात तोगड़िया एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वरवधु को आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम के उपरांत संगठन की बैठक लेने के बाद वे नागपुर के लिए वापस प्रस्थान करेंगे।
रविवार को नेत्रहीनों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया। इस रेडियो चैनल का नाम रेडियो अक्ष है। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और सृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम की पहल से ये संभव हुआ है। इस रेडियो के माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक तक निर्बाध पहुँच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ये अवधारणा दृष्टिहीन लोगों को उनके डिजिटल उपकरणों पर उपलब्ध कराई गई ऑडियो बुक के विकल्प के रूप में बनाई गई थी, जिसकी पहुंच कोविड-19 महामारी के कारण यातायात पर प्रतिबंध चलते सीमित रह गई। अब इस प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न विषयों पर शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। FM और AM रेडियो के जरिए कहीं से भी इस विशाल एनसाइक्लोपीडिया को एक्सेस किया जा सकता है। इसमें इंटरनेट रेडियो की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रशिक्षित महिला वॉलंटियर्स की एक टीम इन सेवाओं का संचालन कर रही है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।